दोस्तों आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मादा कंगारू अपने किसी एक बच्चे को मरने के लिए शिकारी के पास छोड़ देती है। अब आप सोच रहे होंगे वो ऐसा क्यों करती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करती है, जब वो किसी शिकारी की नजर में आ जाती है तब वो उससे बचने के लिए हर वो प्रयास करती है जो मुमकिन होता है। जहां तक वो तेज भागकर अपने और अपने थैली में रखे हुए बच्चे को शिकारी से बचाने के लिए कोशिश करती है। लेकिन जब मादा कंगारू को लगता है कि वो अब शिकारी से जीत नहीं पाएगी, वैसी स्थिति में वो थैली में रखे अपने बच्चे को फेंक देती है ताकि शिकारी का ध्यान उस बच्चे पे पड़े और मां कंगारू बच सके। लेकिन मां कंगारू को ये बलिदान इसलिए देना पड़ता है ताकि मां कंगारू के पेट में पल रहे अन्य बच्चे बच सके और ये अपनी आबादी बढ़ा सकें। तो दोस्तों आज से पहले आपको ये जानकारी पता थी तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।